फटाफट रखते हैं, तो जो ऐसा मन करता है वैसा बना के खा सकते हैं। तो एक तरफ थोड़ा थोड़ा कच्चा में ही पलटाना है। ये देखिए मड़ुआ का रोटी बनके तैयार। हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम बना रहे हैं मड़ुआ का रोटी। तो मड़ुआ रोटी बनाने के लिए इधर क्या किया है, ये मड़ुआ का आटा को लगा लिए हैं, क्योंकि इसको हम ना थापने वाला रोटी पकाएंगे ना, थपुआ, इसीलिए टाइट है। इसमें नमक खली हम डाले हैं और कुछ नहीं, तो ये दिखाने के लिए भूल गए हम, इसके लिए सॉरी। और इसको अब क्या करेंगे, यहाँ रख देते हैं फूलने के लिए। थोड़ा हाथ धो लेते हैं। हाथ देखिए हम धो लिए हैं फाइनली। और अब है सो इधर थोड़ा चूल्हा को भी पोछ लेते हैं, क्योंकि इसमें अभी रोटी बनाए थे ना आटा वाला, इसलिए इसको साफ कर लेते हैं, गंदा है सो। और इधर तावा हम चढ़ा दिए हैं और गैस अब जला लेते हैं। गैस जल गया है। और इधर कटोरा में देखिए हम तेल ले लिए हैं और एक कटोरा में पानी, क्योंकि पानी इसलिए लिए हैं आटा को थापने के समय रोटी हमको लगेगा काम। और दोस्तों देखिए, अभी हम यहीं पर किचन में हैं और अभी तावा गर्म होने के लिए दे दिए हैं, तो कि हो जाएगा ना गर्म। साड़ी समेट लेते हैं, क्योंकि पकड़ उकड़ लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। और अब देखते हैं गर्म हुआ क्या नहीं। इधर देखिए लगता है गर्म हो गया, तेल हम डाल के देखते हैं। तो एक चम्मच के अनुसार हम इसमें तेल डाले हैं। और अब हम इसको क्या करेंगे, घुमा देंगे, तो इसको फैला देना है। तो हमारे पास पत्ता नहीं है, तो इसी से कर देते हैं। तेल गर्म हो गया है फाइनली, तो हम हाथ पहले इसमें पानी में डाल लेंगे। और यह आटा, आटा को हम इतना लोया जैसा करके और इसको यहाँ पर हम थापेंगे तावा में हाथ से। थोड़ा गैस कम कर देते हैं ताकि जलन नहीं लगेगा। और देखिए इस तरह हो गया, इसको पतला करते जाना है। फटाफट अभी हम पतला कर लेते हैं, फूट जाता है। ये मड़ुआ झारखंड में है ना, मड़ुआ बोला जाता है, कहीं कहीं रागी भी इसको बोलते हैं। मगर कि मड़ुआ का रोटी जो है ना, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसका छिलका भी बना सकते हैं, पुआ बना सकते हैं, तो जो ऐसा मन करता है वैसा बना के खा सकते हैं। और दोस्तों देखिए हो गया है। और इसको क्या करेंगे, अब इस थाली से ढकेंगे और थोड़ा गैस तेज कर देते हैं। और इसको अभी 2 मिनट तक पकाना है ढक करके। कहीं कहीं इसको रागी भी बोला जाता है। तो दोस्तों कौन कौन मड़ुआ का रोटी खाए हैं वो कमेंट करिएगा, और लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे चैनल को। और कमेंट जरूर करिएगा कि कौन कौन मड़ुआ का रोटी खाए हैं। सो अभी देखिए पकेगा 5 मिनट में, तब तक वीडियो में बने रहिए। 5 मिनट हो गया है, आइए अब देखते हैं। ये देखिए हो गया है। और इसको अभी हम ढक्कन उठा के देख लेते हैं कैसा हुआ। गिर गया उधर, देखिए पक गया है अच्छा से। और कितना अच्छा से पलट जा रहा है, देखिए एक तरफ थोड़ा थोड़ा कच्चा में ही पलटाना है। ये देखिए मड़ुआ का रोटी बनके तैयार है। इधर नहीं ढकना है, और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है दोस्तों। और इसको खाने से जानते हैं बहुत फायदा है, शुगर बीमारी के लिए है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए है। और मैं टेस्टी मत बोलिए, इतना टेस्ट लगता है ना, जो उसको कहना नहीं पड़ेगा। देखिए पक के तैयार हो गया है। और इसका छिलका भी बना सकते हैं, तो हम छिलका नहीं, थपुआ रोटी बना रहे हैं। मड़ुआ का इसको बोलते हैं थपा रोटी।
अभी पका लेते हैं अच्छा से। थोड़ा सा जल गए हाथ को, गर्म था ना ज्यादा इसीलिए, तो इसको फूंक देते हैं। तो दोस्तों अभी एक पक चुका है ना, इसको देख लेते हैं फिर से। इधर देखिए हो गया है, उलट पलट के पका दिए हैं, और इसको अब रखेंगे और फिर से बनाएंगे दूसरा। ये देखिए हो गया, इधर रखा गया। अभी रात है ना इसीलिए ऐसे दिख रहा होगा आप लोगों को। इसमें फिर से थोड़ा सा और तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले वाला तेल तो है ही इसमें, और गैस भी कम कर लेते हैं। और इसी प्रकार इसको फिर से मिला लेना है। सब जगह फैल गया है तेल, धुआं भी हो रहा है देखिए, क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया है ना। और रबर भी इसी प्रकार से हम डालेंगे इसको, एक लोया। आपके तरफ इस रोटी को क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। तो फटाफट इसको फिर से बनाएंगे। हो गया है, और इसको ढक्कन कर देते हैं, अभी ठंडा हो गया है ना इसलिए। और इसमें हाथ धो लेते हैं। तो दोस्तों कौन कौन मड़ुआ का रोटी खाए हैं वो कमेंट जरूर करिएगा, और कैसा लगता है वो भी बताइए। और चलिए आज का रेसिपी को हम यहीं रोकते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय और गुड नाइट भी।